हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी में के बारे में डिस्कस किया था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। किसी भी नेटवर्क का फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते थे? नेटवर्क टोपोलॉजी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिसमें हमने देखा था रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, फुली कनेक्टेड लाइन टोपोलॉजी, ट्री एंड बस टोपोलॉजी। और लास्ट वीडियो में हमने मैश एंड बस टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार टोपोलॉजी द फिजिकल अरेंजमेंट, जो फिजिकल अरेंजमेंट है नेटवर्क का, वो हमें एज ए स्टार की तरह दिखेगा और सेंटर में एक हब रहेगा, एक नेटवर्किंग डिवाइस हब रहेगा, जिससे थ्रू ऑल द सिस्टम जो है वो कनेक्ट रहेंगे। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो ऑल सिस्टम को कनेक्ट है हब के साथ, वो कैसे कनेक्ट है? थ्रू कोएक्सियल केबल, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल और ट्विस्टर पेयर केबल, इसके थ्रू वो कनेक्ट है। और मान लीजिए कोई अगर कोई सिस्टम जो है वो ब्रेकेज हो जाता है, जहां ब्रेकेज आ जाता है, तो क्या वो होल सिस्टम को अफेक्ट करेगा? उस केस में होल सिस्टम को वो अफेक्ट नहीं करेगा, ओनली यही सिस्टम जिसके साथ वो ब्रेकेज है केवल, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा हब के साथ। और अगर इन केस अगर हब में ही कोई खराबी आती है, तो क्या करेगा? उसके केस में होल सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, होल सिस्टम डंप कर जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि स्टार टोपोलॉजी है क्या। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद ए सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस कॉल्ड हब। किसके थ्रू कनेक्टेड है? हब के थ्रू। द शेयरिंग ऑफ डाटा इज ओनली पॉसिबल थ्रू हब। किसके थ्रू शेयरिंग है पॉसिबल? ओनली हब के थ्रू, क्योंकि हब की आपने फीचर, आपने नेटवर्क के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा ही होगा, आपने फीचर पढ़े होंगे हब के। तो अगर नहीं पढ़े, नहीं जानते, तो मैं इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी हब क्या करता था, किसी से भी अगर डाटा मिलता था, वो उसके मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता था सभी में। ये हब की एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं, एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। एडवांटेज क्या है? अगर कोई मैसेज, मुझे इसने कोई मैसेज भेजना है सभी को, तो उसके इसमें वो क्या, इसको क्या करेगा? हब को भेजेगा, हब क्या ब्रॉडकास्ट कर देगा। बट अगर कोई प्राइवेट मैसेज भेजना है मुझे किसी को, तो इस केस में हब क्या करेगा? वो भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, वो प्राइवेट मैसेज भेजने में पॉसिबल नहीं गया है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फेलियर बाय इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड ईच होस्ट टू द हब। इसमें क्या है, सारे कनेक्टेड है हब के साथ, तो क्या है, फेलियर का होना सभी का पॉसिबल नहीं है। अगर जिस जहां ब्रेकेज आएगा वहीं फेलियर हो पा। ईच होस्ट में दस कम्युनिकेट विद ऑल अदर ट्रांसमिटिंग टू एंड रिसीविंग फ्रॉम द हब। किससे थ्रू? हब के थ्रू होता है। द फेलियर ट्रांसमिशन लाइन लिंकिंग एनी होस्ट टू द हब विल रिजल्ट इन द आइसोलेशन ऑफ दैट होस्ट फ्रॉम ऑल अदर। तो क्या करेगा, जो होस्ट जिससे कनेक्ट, जो ब्रेकेज हो गई जिसके साथ, तो वो उसका कनेक्शन जो है सभी के साथ वो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क विल बी अनअफेक्टेड। द स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमनली यूज्ड विद ट्विस्टर वायर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। किसके थ्रू कनेक्टेड है? आपका ट्विस्टर पेयर केबल कनेक्टेड है, कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्टेड है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कनेक्टेड है। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी में देख लेते हैं। इफ वन नोड्स आर इट्स कनेक्शन ब्रेक, अगर एक का कनेक्शन ब्रेक होता है, तो क्या करेगा? इट डज नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर नॉर देयर कनेक्शन। तो ये किसी भी सिस्टम को, किसी नेटवर्क को क्या करेगा? अफेक्ट नहीं करेगा। डिवाइस कैन बी एडेड और रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग। अगर मुझे कोई ऐड करना है, तो मुझे सिर्फ पोर्ट चाहिए हब में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सिस्टम ऐड कर दूंगा, यहाँ भी ऐड कर दूंगा, यहाँ भी ऐड कर दूंगा, एक केबल लगाऊंगा, यहाँ भी एक केबल लगा के ऐड कर दूंगा। तो इसमें क्या हुआ कि मुझे किसी भी सिस्टम को, किसी भी नेटवर्क को, मैंने इस नेटवर्क को मैंने क्या किया, डिस्टर्ब नहीं किया, और मैंने क्या किया, ऐड कर दिया एक और सिस्टम। स्टार टोपोलॉजी में बी अप्रोप्रिएट फॉर ए लॉन्ग लार्जर नेटवर्क। इसमें क्या बहुत सारे नेटवर्क, जितने जितने पोर्ट्स मेरे हब में है, उससे उतने ही मैं क्या करूंगा, इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। इन स्टार टोपोलॉजी
हब ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू ऑल नोड्स। मैं बताया था कि हब में एक ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो उस केस में क्या करें, मुझे एक सिंगल सिंगल किसी को मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस मैसेज को हब को भेज दूंगा, हब का काम है उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। बट यही डिसएडवांटेज भी रहेगा कि मैं कोई भी मैसेज मुझे प्राइवेटली भेजना है तो मैं क्या करूँगा, हब के थ्रू तो भेज नहीं सकता, क्योंकि हब का तो काम है कि ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज। द स्टार टोपोलॉजी इज लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लेस केबल यूज पर कनेक्शन एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क। अदर नेटवर्क में क्या था कि सब जो केबलिंग थी वो ज्यादा यूज होती थी, बट यहाँ क्या है, जितने मुझे सिस्टम जितने कनेक्ट करने हैं उतनी मैं केबलिंग यूज करूंगा, बाकी मैं केबलिंग यूज ही नहीं करूंगा। तो इस केस में क्या है कि लेस एक्सपेंसिव है, बट हब इसमें हब यूज हो रहा है तो हब क्या करेगा, हब का एक नेटवर्किंग डिवाइस है, उसकी अलग से कास्ट है, तो इस केस में क्या होगा, कॉस्ट बढ़ भी सकती है। और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इन स्टार्टअप लॉजी वी मस्ट रिक्वायर ए नेटवर्क डिवाइस लाइक हब। भाई हब उसके उसमें क्या है कि हब की जरूरत पड़ रही है, बाकी किसी में तो हमें हब की जरूरत पड़ी नहीं, और जहां हमें क्या हब की जरूरत पड़ रही है, नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत पड़ रही है। द सेंटर हब इज ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर द होल नेटवर्क। अगर मान लीजिए हब ही आपका जो है वो खराब हो गया, जहाँ फेलियर हो गया, उसमें कुछ खराबी आ गई, तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है वो डंप हो जाएगा। इफ टू नोड्स वांट टू शेयर द डाटा, शेयरिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू हब। अगर कोई आपस में शेयर करना चाहते हैं डाटा, तो उसको डाटा क्या है, हब के थ्रू ही शेयर करना पड़ेगा, और हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन बड़ा कोई काम ही नहीं है। वी कैन नॉट सेंड द प्राइवेट नेटवर्क। मैं बता ही गया कि आप प्राइवेटली नेटवर्क, तो आप प्राइवेटली मैसेज किसी को भेज ही नहीं सकते, बिकॉज हब हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट टोपोलॉजी आपका हमारे यहीं तक था, आगे देखते हैं हमारा रिंग टोपोलॉजी में क्या है। रिंग टोपोलॉजी में जो नेटवर्क का जो फिजिकल अरेंजमेंट है वो हमें एक रिंग की तरह दिखाई देगा, जिसमें ऑल सिस्टम जो है, हर सिस्टम जो है एडजेसेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मगर अगर ये सिस्टम है तो ये इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। और एक बात और इसमें क्या होगा, डाटा जो है ओनली यूनि डायरेक्शनल होता है, जहां तो आपका क्लॉकवाइज होगा जहां तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान लीजिए मुझे यहाँ से मुझे डाटा यहाँ भेजना है, इसके पास भेजना है, तो क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ डाटा इसमें इस केस में है मान लीजिए कि क्लॉकवाइज है, तो मेरी डाटा जो है वो क्लॉकवाइज इसी डायरेक्शन में इसके पास आएगा। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से डाटा यहाँ भेजना है और डाटा का फ्लो जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो डाटा क्या होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ये नहीं है कि अगर इसके लिए डाटा है तो यहाँ पे आगे रुक जाएगा, नहीं, डाटा वो क्या होगा, सभी के पास जाएगा डाटा उस। तो ये था रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बारे में हम जान लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी है क्या। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड्स कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर नोड्स, फॉर्मिंग ए सिंगल कंटिन्यूस पाथवे फॉर सिंगल सिग्नल थ्रू ईच नोड ए रिंग। एक रिंग की तरह काम करता है, वो बता ही दिया। रिंग टोपोलॉजी कैन बी यूनि डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है, विद ऑल डाटा ट्रेवलिंग आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द रिंग, और बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन आपको बताया बताया इसमें कि हर सिस्टम है उसमें दो पोर्ट्स में कनेक्ट रहेगा, एक पोर्ट्स में क्या होगा आपका यूनि डायरेक्शनल डाटा पास करेगा, दूसरे पोर्ट्स में क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पास रहेगा। तो और मान लीजिए मुझे यहाँ से डाटा यहाँ भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड पोर्ट को सिलेक्ट करके डाटा इसी डायरेक्शन में भेज दूंगा, तो उससे क्या होगा कि डाटा की जो फ्लो मुझे मेल जो मुझे भेजना था इसके पास, तो इसके पास चलती है स्पीड बढ़ गई उसकी डाटा की, मुझे जो जितनी जल्दी इसको भेजा, अगर मुझे क्लॉकवाइज भेजना तो मैं यहाँ से होके पूरे नोड्स को कनेक्ट करके उसके बाद भेजूंगा, तो इस केस में क्या होता है, मुझे मैंने सेकंड पोर्ट सिलेक्ट करके इस डाटा को यहाँ से यहाँ भेज दिया एंटी क्लॉकवाइज। इफ एनी इंडिविजुअल कनेक्शन इन द रिंग इज एडिंग, अगर मुझे इसमें कोई कनेक्शन ऐड करना है तो इसमें क्या करूंगा, मुझे रिप्लेसिंग या चेंजिंग करना है तो इसमें क्या करूंगा, यहाँ से केबल निकालूंगा और सिस्टम के साथ कनेक्ट करूंगा, एक सिस्टम से केबल लूंगा यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा, कोई भी नेटवर्क जो है मेरा, कोई भी सिस्टम जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं रहेगा। और एक बात हो रहा है कि इसमें अगर मुझे डाटा जो है, मुझे कनेक्शन जो एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आज सिस्टम का ऑन होना जरूरी है। अगर सिस्टम कोई बंद है या फेलियर है इसमें सिस्टम में, तो उसमें क्या होगा, नेटवर्क इफेक्ट होगा, मेरा डाटा जो है वो आगे फ्लो नहीं होगा। आगे देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इसकी एडवांटेज क्या क्या है, फर्स्ट लिख लेते हैं,
देर इज नो नीड ऑफ सर्वर, इसमें किसी भी सर्वर या नेटवर्किंग डिवाइस की मुझे जरूरत नहीं है। तो देर इज नो नीड ऑफ सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी अमांग द नोड्स इन द टोपोलॉजी। ऑल डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन रिड्यूस द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। अगर डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो रहेगा तो उसमें क्या होगा, डाटा कोलिजन नहीं रहेगा, जैसे बस टोपोलॉजी वगैरह में कोलिजन हो जाता था। क्यों, अगर मुझे मान लीजिए जहां डाटा भेजिए यहां भेजना है, ऐसे भेजना है, तो क्या ये भी डाटा भेज, अगर मान लीजिए इस तरह से डायरेक्शन में भेजने लगेगा तो इसमें उस केस में क्या होगा कि डाटा का कोलिजन शुरू हो जाएगा, तो डाटा का लॉसेस भी हो सकता है। इस केस में क्या है कि कोलिजन नहीं होता डाटा का। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टोकन पासिंग द परफॉर्मेंस ऑफ रिंग टोपोलॉजी बिकम बेटर देन बस टोपोलॉजी अंडर एन हैवी ट्रैफिक। अगर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है तो क्या होगा, टोकन रिंग की तरह देगा मुझे, भाई इसने कोई डाटा भेजना है तो मेरे इसने इसने क्या किया, सारा डाटा इसको दे दिया। अब इसके पास भी अपना डाटा भी था और इसका डाटा था, इसने क्या किया इसको भेज दिया। जब तक ये डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा ये क्या करेगा, बंद, या अपना सिस्टम अपना स्टेबल रहेगा। और जब इसके बाद टोकन आएगा तो ये क्या करेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये इसको क्या, इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी को बोलते हैं, टोकन रिंग टोपोलॉजी भी बोलते हैं। एडिशनल बर्स्ट स्टेशन कैन बी एडेड विदाउट इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। अगर मान लीजिए कोई मुझे नेटवर्क ऐड करना है, कोई मुझे बर्स्ट स्टेशन ऐड करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, मैं मुझे किसी भी से पूरे नेटवर्क को मुझे क्या अफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं एक केबल निकालूंगा यहाँ से, आप सिस्टम में लगाऊंगा और सिस्टम से केबल निकाल के यहाँ जोड़ दूंगा, तो मेरा क्या होगा, पूरा जो नेटवर्क है वो अनअफेक्टेड रहेगा। डाटा कैन ट्रांसफर बिटवीन अ बर्स्ट स्टेशन एट हाई स्पीड। तो इस केस में क्या होगा, बर्स्ट स्टेशन का जो हाई डाटा की ट्रांसफर स्पीड है वो हाई रहेगी। क्यों, क्योंकि उसमें कोलिजन नहीं हो रहा और टोकन रिंग की तरह पास हो रहा है, एक डाटा ट्रांसफर हो जाता है तो वो टोकन क्या होगा, नेक्स्ट तो दे देता है। मिनिमम कोलिजन है इसमें। ईडीटी चीप टू इंस्टॉल, चीप टू इंस्टॉल है क्योंकि ना तो इसमें कोई नेटवर्किंग डिवाइस या सर्वर की जरूरत पड़ रही है, और ना, और क्या करूंगा, अगर मुझे बर्स्ट स्टेशन ऐड भी करना है तो यहाँ से केबल निकाल के यहाँ जोड़ दूंगा, यहाँ से यहाँ निकाल दूंगा, तो मुझे कोई ज्यादा कॉस्टली इसमें नहीं पड़ रहा, और जो एक्सपैंड भी जो मैं इजिली कर पा रहा हूँ, तो क्या करूंगा, इजी टू मैनेज भी है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ऑल डाटा बींग ट्रांसफर ऑफ द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच बर्स्ट स्टेशन ऑन द नेटवर्क। मुझे डाटा जो है ट्रांसफर करने के लिए हर स्टेशन से निकल के जाना पड़ेगा, विच कैन कैन नॉट बी स्लोअर देन ए स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में केस में क्या था, हब को डाटा आता था, हब क्या होता था, उसको ब्रॉडकास्ट कर रहता था, उसमें केस में क्या होता था, नेटवर्क की स्पीड जो थी हाई थी। द हार्डवेयर नीडेड टू कनेक्ट ईच बर्स स्टेशन टू द नेटवर्क इज मोर एक्सपेंसिव देन इथरनेट कार्ड एंड हब स्विच। ड्यू टू यूनि डायरेक्शनल रिंग ए डाटा पैकेट मस्ट पास थ्रू ऑल द नोड्स। बताया था कि यूनिट डायरेक्शन की वजह से क्या होता है कि वो डाटा जो है प्राइवेटेशन नहीं रहती है, इसमें डाटा जो है वो सभी जगह पास होगा, तो इसमें प्राइवेट नहीं, किसी को मैसेज भेजना हो तो वो नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है। इफ वन वर्क स्टेशन शट डाउन, अगर मान लीजिए मैंने डाटा यहाँ से इसको भेजना है, अगर मान लीजिए यही अगर फेलियर हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या डाटा मेरा आगे जाएगा, डाटा मेरा आगे नहीं जाएगा, डाटा जहां तक रहेगा, तो उससे क्या होगा, फोल नेटवर्क जो है वो अफेक्ट करेगा। इन ऑर्डर फॉर ऑल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल कंप्यूटर मस्ट बी टर्न्ड ऑन। अगर मुझे कम्युनिकेट करना है सभी के साथ तो उस केस में क्या होना चाहिए, सभी जो है सिस्टम जो है वो ऑन होना चाहिए, तभी मेरा जो है कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश होगा। टोटल डिपेंडेंस ऑन वन केबल, इसमें क्या है कि एक ही केबल पर डिपेंड करता है, अगर मैंने बाई डायरेक्शन रखा है तो उसमें केस में दो केबल आ जाएंगी, बट ये अभी से यूनि डायरेक्शन में सिर्फ ओनली वन केबल आ जाएगी, और इसी एक ही केबल पे मेरा होल नेटवर्क डिपेंड करता है। अगर एक केबल कहीं से भी ब्रेक हो जाती है तो होल नेटवर्क उससे क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक जो कवर किया था हमने, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, और मैश एंड बस टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।